हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महिला हॉकी सेमीफाइनल में भारत की हार, अर्जेंटीना ने 2-1 से हराया। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए होगा भारतीय महिला टीम का मुकाबला। 6 अगस्त को ब्रिटेन से होगा मैच। भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन, आने वाले खेल के लिए शुभकामनाएं। भारतीय पहलवान रवि दाहिया ने पक्का किया सिल्वर मेडल। 57 किलो फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। अब फाइनल में दम दिखाएंगे रवि दाहिया। गुरुवार को रूस के पहलवान से मुकाबला। जीत के बाद रवि दाहिया के घर में जश्न का माहौल। पिता ने कहा, मेरा बेटा जरूर लाएगा गोल्ड मेडल। सेमीफाइनल में अमेरिका के पहलवान से हारे भारतीय पहलवान दीपक पूनिया, ब्रॉन्ज मेडल के लिए गुरुवार को फिर भिड़ेंगे। एथलेटिक्स के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने किया कमाल। 86.65 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में जगह बनाई। ओलंपिक के 69 किलो बॉक्सिंग मुकाबले में लवलीना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता। सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन से हारी। ब्रॉन्ज जीतने के बाद बोली लवलीना, मेरा मेडल देश के नाम, प्रार्थनाओं के लिए लोगों का शुक्रिया। कोच के साथ हैदराबाद अपने घर पहुंची पीवी सिंधु, दोनों की आरती उतारी गई। मनिका बत्रा को टेबल टेनिस फेडरेशन का कारण बताओ नोटिस। ओलंपिक के में नेशनल कोच की मदद नहीं लेने पर 10 दिन में देना होगा जवाब। ओलंपिक के 13वें दिन भारत की नजर पुरुष हॉकी पर। गुरुवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी से भिड़ेगा भारत। केटी इरफान, राहुल रोहिला और संदीप कुमार 20 किलोमीटर पैदल चाल इवेंट में आजमाएंगे किस्मत। 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में विनेश फोगाट और 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अंशु मलिक का होगा मुकाबला। दिल्ली कैंट इलाके के पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी, कहा परिवार को इंसाफ मिलने तक मैं उनके साथ हूँ। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से कार में बैठकर और फिर मंच पर जाकर मुलाकात की। फोटो ट्वीट करने पर विवाद बढ़ा। बीजेपी ने राहुल पर पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया, कहा पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं बता सकते हैं पीड़ितों की पहचान। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर सियासत करने का आरोप लगाया, कहा पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। बीजेपी ने राजस्थान और पंजाब में रेप केसेस को लेकर कांग्रेस को घेरा, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले, फिर चुप्पी क्यों। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर आरोप, कहा सुविधा के अनुसार मुद्दे उठाते हैं राहुल। राहुल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मिले, 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। केजरीवाल ने मासूम की मौत की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का ऐलान किया, कहा सरकार बड़े वकीलों की सेवाएं लेगी। क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा दिल्ली रेप मर्डर केस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को दिए गए निर्देश। NCPCR ने ट्विटर इंडिया को भेजा नोटिस, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कैबिनेट ने संविधान संशोधन बिल को दी मंजूरी, इसी सत्र में बिल पारित कराने की कोशिश करेगी सरकार। देश भर में निचली अदालतों में करीब 4 करोड़ केसेज लंबित हैं, कानून मंत्री ने बताया। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 941 सफाई कर्मचारियों की मौत, सरकार ने मौत की अवधि की जानकारी नहीं दी। रेलवे ने छोड़ा ट्रेन में वाईफाई लगाने का प्रोजेक्ट, रेल मंत्री ने बताया। देश में पिछले 5 सालों में रेप के 1,71,000 केस दर्ज हुए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में दर्ज हुए मामले। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में 400 एनकाउंटर्स में 630 आतंकी मारे गए, 85 सुरक्षा बलों की भी मौत हुई। गुरुवार तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। पेगासस समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की हंगामा करने वाले सांसदों से अपील, संसद की मरिमा और आसन के अपमान की कोशिश ना करें। राज्यसभा में हंगामा करने वाले TMC के 6 सांसदों पर बड़ा एक्शन, कार्रवाई में नहीं ले पाए हिस्सा। TMC सांसदों के निलंबन पर बोले अभिषेक बैनर्जी, ये साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। संसदीय कार्यमंत्री ने विपक्ष पर लगाया नाटक करने का आरोप, कहा बातचीत के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, संसद में हम पहले पेगासस पर चर्चा करना चाहते हैं। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर भिड़े, कैमरे के सामने ही तूतू मैं हुई। बिट्टू का आरोप, हरसिमरत कौर ने केंद्र में मंत्री रहकर बिल बनवाया, अब प्रदर्शन करके ड्रामा कर रही है। हरसिमरत कौर का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल ट्रैक्टर तो चलाते हैं लेकिन बात किसानों की नहीं पेगासस की करते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले पंजाब कांग्रेस चीफ, नवजोत सिंह सिद्धू ने कानून खारिज करने को कहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा राज्य का विषय है कृषि, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार हुआ, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 29 मंत्रियों को शपथ दिलाई। 9 अगस्त को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उमर अब्दुल्ला का बयान, अनुच्छेद 370 हटने से काफी निराश था लेकिन नेता के तौर पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता था खामोश। ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी से मतभेद की खबरों को खारिज किया, कहा भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है ओबीसी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, उत्तराखंड विधानसभा में जीतने और भरोसेमंद लोगों को ही दिया जाएगा टिकट। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा का घर जलाने के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी में शामिल, रीता ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे बीजेपी से करें बाहर। 5 और 6 अगस्त को ईरान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल होंगे। अगले 2 साल तक जारी रहेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, कैबिनेट ने पॉक्सो कोर्ट को भी जारी रखने का फैसला लिया।
1 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी समग्र शिक्षा योजना। सभी वर्गों तक समान रूप से शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य। सरकारी स्कूलों में भी खोले जाएंगे प्ले स्कूल। वोकेशनल स्किल्स पर दिया जाएगा जोर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का बढ़ाया गया दायरा। पिछड़े इलाकों में 12वीं तक के स्कूल किए जाएंगे। साल 2023 से रामलला के दर्शन कर सकेंगे लोग। 2025 में पूरा होगा परिसर का काम। सूत्रों के हवाले से खबर। गुरुवार को अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। अमेरिकी आर्मी चीफ से मिले भारत के वाइस चीफ एयर मार्शल बीआर चौधरी। रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग पर हुई बात। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला और अनंतनाग का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीमा विवाद के बाद असम के दो मंत्री गुरुवार को जाएंगे मिजोरम। असम की जनता का शांति का पैगाम सौंपेंगे। इम्फाल शिलोंग के बीच शुरू हुई इंडिगो की फ्लाइट। उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुई फ्लाइट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ड्रोन के जरिए जायजा लिया। कश्मीर में काजीगुंज और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी टनल को ट्रायल पर ट्रैफिक के लिए खोला गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी। धनबाद जज हत्या मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। सीबीआई ने शुरू की जांच। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए नियुक्त जस्टिस चांदीवाल आयोग के सामने याचिका या आयोग के खिलाफ याचिका। गुजरात पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 50 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है गैंग। केरल आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 जम्मू कश्मीर और 2 कर्नाटक से पकड़े गए। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में गोलियां चली। गोलीबारी में 5 की मौत 3 घायल। वंदे भारत मिशन के तहत जुलाई 2021 तक भारत लाए गए 71 लाख से ज्यादा यात्री। अक्टूबर नवंबर तक 4 और कंपनियां शुरू कर सकती हैं कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सांगली सतारा और पुणे में बढ़ाई जाएगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। कई राज्यों में बढ़ते आर नंबर पर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। कहा कोरोना केस तो बढ़ रहे हैं लेकिन इसको तीसरी लहर कहना जल्दबाजी होगी। देश में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामले आए। 562 मौतें हुई। केरल में कोरोना के 22,414 केस 24 घंटे में 108 जाने गई। महाराष्ट्र में 7,436 नए मामले 195 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 2,442 नए केस 24 घंटे में 16 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 1,769 मामले 24 घंटे में 30 ने जान गंवाई। दिल्ली में 67 नए केस 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी में कोरोना के 61 नए मरीज 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। दिल्ली सरकार ने कम किए आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम। निजी अस्पताल में 500 और होम कलेक्शन के लिए 700 रुपए निर्धारित। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी तैयार। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और कॉन्सेंट्रेटर्स तैयार किए गए। बिहार में 7 से 25 अगस्त तक खुलेंगी सभी दुकानें। वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। बिहार में पूरी क्षमता के साथ चलेंगे सार्वजनिक वाहन। प्रतिबंधों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल। बिहार में 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं और 10वीं के स्कूल। 16 अगस्त से खुलेंगे 1वीं से 8वीं तक के स्कूल। केरल में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। 14 अगस्त और ओणम पर नहीं होगा लॉकडाउन। केरल में सिर्फ रविवार को रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 20 लोग। 16 अगस्त से 20 अगस्त तक खुलेगी जगन्नाथ मंदिर। आरटीपीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से ही मिलेगी एंट्री। नेपाल में कोरोना के 4,107 नए केस जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए। ट्यूनिशिया में ऑक्सीजन की किल्लत से लोग परेशान। अपनों के लिए ऑक्सीजन के इंतजाम में जुटे लोग। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। लोगों के घरों में पानी घुसा। बंगाल के खानाकुल में एनडीआरएफ ने चलाया राहत और बचाव अभियान। लोगों तक पहुंचाया खाने का सामान। ममता बनर्जी ने हावड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की। बंगाल में बाढ़ के हालात की जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। बाढ़ के लिए झारखंड और बिहार के डैम से छोड़े गए पानी को जिम्मेदार बताया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। भूकंप से पहले चेतावनी के लिए तैयार किया गया उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ऐप। राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक हादसा। भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। सवाई माधोपुर से आई सैलाब की हैरान करने वाली तस्वीर। पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बही कई बाइक्स। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 11,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। सड़कों और मकानों की भी मरम्मत होगी। चेक रिपब्लिक में आपस में भिड़ी 2 पैसेंजर ट्रेन। हादसे में 2 की मौत कई दर्जन लोग घायल। यूएस डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 74.19 रुपए। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स ने लगाई 546 अंकों की छलांग। निफ्टी में 128 अंकों की बढ़त। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।